हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यू ऑन द मिशन डेवलपमेंट एकेडमी में आपका स्वागत है। मिलाई सोनी डिजिटल मार्केटर। आज के हमारे फेसबुक एड्स कोर्स में हम आ गए लेसन 28 में। हम ये जानेंगे कि हम कैसे फेसबुक बिजनेस मैनेजर का पूरा ओवरव्यू समझेंगे और साथ साथ कुछ की पॉइंट्स की हेल्प लेंगे। जैसे कि फर्स्ट लिस्ट में बताया गया है, हम क्रिएट करेंगे बिजनेस पेज को। जब भी हम क्रिएट करते हैं तो एक बिल्ड रिलेशनशिप बनाते हैं विद हमारी ऑडियंस के साथ और कस्टमर के साथ। तो कहीं ना कहीं हम एक बढ़िया ऑडियंस के लिए और कस्टमर के लिए एक अच्छे रिलेशनशिप बनाने के लिए बढ़िया बिजनेस पेज हमें क्रिएट करना होगा। इसके बाद ही हम क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं फेसबुक एड को। जब भी हम लोगों को कहते हैं फेसबुक एड क्यों क्रिएट करते हैं तो मैं आपको बता देता हूँ। इससे हम शुरुआत कर लेते हैं स्टेप बाय स्टेप, हमें गाइडिंग मिल जाती है हम कैसे क्रिएटिव कर सकते हैं इफेक्टिव एड्स, जिससे कि लोग या ऑडियंस हमारी बढ़िया तरीके से बिजनेस पेज पर आए हमारे पोर्टल सर्विसेज को यूज जरूर कर पाए। इसी के साथ ही हम ये समझेंगे कि कैसे हम फेसबुक एड्स फॉर्मेट का यूज कर सकते हैं, जिसमें कि एक्सटेंड दी जाती है हमारी रीच और विद फेसबुक एड्स के साथ उसमें प्लेसमेंट होते हैं एवरी बिजनेस के। कहीं ना कहीं आपने देखा होगा जब आप फेसबुकटाइजिंग स्टार्ट करते हो तो आपको अलग अलग डिफरेंट एड्स फॉर्मेट भी मिलते हैं। इसी के साथ ही हम ये भी समझेंगे कि बिजनेस रिसोर्सेज हब क्या करता है। इसमें आपको हमेशा बिजनेस को मूविंग रखने फॉरवर्ड रखने के लिए काम करते हैं, आपको टिप्स दी जाती है, ट्रेनिंग और बहुत सी चीजें आपको इसमें दी जाएगी। तो चलिए इसको हम पूरी तरीके से प्रैक्टिकल समझने की कोशिश करते हैं। तो चलते हैं हमारे लैपटॉप की स्क्रीन पर। जैसे कि हम आ गए गूगल पर, यहाँ पे सर्च कर देते हैं एफबी यानी कि फेसबुक, और जैसे हम यहाँ पे सर्च करेंगे तो इस प्रकार का रिजल्ट शो होगा। फिर इसके बाद हम धीरे धीरे स्क्रॉल करेंगे, ऑलरेडी हमारी यहाँ आईडी लॉगिन होगी तो ऑलरेडी यहाँ से वो लॉगिन हो जाएगी। अगर नहीं होगी तो आपको लॉगिन करके पासवर्ड डालना होगा। इसी के साथ ही हमारी डमी आईडी ओपन हो चुकी है सीओ मारी के नाम से। अब इसी के साथ ही हम देखते हैं कि हम कैसे, आज की वीडियोस का हमारा टॉपिक है कि हमें क्रिएट करना है बिजनेस पेज को, फिर उसके बाद हम क्रिएट करेंगे फेसबुक एड। इसी के तरीके से हम और भी चीजें समझेंगे, फिर हम फेसबुक एड फॉर्मेट्स को देखेंगे, इसके जस्ट बाद फिर हम देखेंगे बिजनेस रिसोर्सेज हब। इसके लिए फर्स्टली हमें अपने देखनी पड़ेगी हमारी आईडी, इसमें दिए गए सी मोर पे हम जैसे क्लिक करेंगे तो और भी फंक्शन यहाँ पे ओपन हो जाएंगे। और हम स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है एड मैनेजर, हम एड मैनेजर पर क्लिक करेंगे। जैसे हम एड मैनेजर पे क्लिक करते हैं कुछ इस तरह की यहाँ पे चीजें होती है। यहाँ पे मेटा का ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा होगा जो फेसबुक का खुद का ही मेटा है। तो इसी तरीके से अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि पूरी तरीके से कैंपेन यानी कि पूरा एड फॉर्मेट हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इसमें हमें पूरी इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि हम कैसे कैंपेन चला सकते हैं, कैसे एडवर्टाइजिंग कर सकते हैं और बहुत सी चीजें यहाँ पे हमें दी जा रही है। तो जैसे कि हम यहाँ से भी क्रिएट एड कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं, दोनों ही ऑप्शन एक होते हैं। अब चलिए थोड़ी सी हम इसके बारे में ओवरव्यू समझने की कोशिश करते हैं हमारे फेसबुक बिजनेस मैनेजर में। तो जैसे कि हम यहाँ पे टूल्स देख रहे हैं, यहाँ पे एड्स मैनेजर है जो एक्चुअल में हमारा ये एड्स मैनेजर है। तो पूरी तरीके से हम बात करते हैं कि एड्स मैनेजर कैसे वर्क करता है। तो उसके लिए हम पहले समझ लेते हैं कि कहीं ना कहीं हमें क्रिएट कर सकते हैं या ऑन ऑफ कर सकते हैं। जब हम कैंपेन स्टार्ट करते हैं हम चाहते हैं कि ऑफ करें ऑन करें, तो हम इस प्रकार की चीज का यूज जरूर कर सकते हैं। अब चलिए हम समझने की कोशिश करते हैं कि हम कैसे अब बना सकते हैं क्रिएट बिजनेस पेज को। तो कहीं ना कहीं हम यहाँ देख सकते हैं कि एड सेटिंग अकाउंट सेटिंग में हम यहाँ जाएंगे, और जैसे हम अकाउंट सेटिंग में जाएंगे तो कुछ अलग ही तरीका यहाँ पे पेज ओपन होने वाला है। और हम देखते हैं यहाँ पे हमें एड अकाउंट सेटअप करने को बोला जा रहा है, यानी कि आप लोगों को एड कर सकते हो जिससे कि आपके अकाउंट को इसी तरीके से सेटअप किया जा सकता है। और यहाँ पे हम देख सकते हैं क्रिएटिव हब है, बिलिंग है, अकाउंट इक्वालिटी, एड्स पर लिमिटेड और बिलिंग है। या कहीं ना कहीं तरीके से आप यहाँ पे अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज के लिए बिलिंग कर सकते हो। अकाउंट क्वालिटी, बिलिंग्स, वॉट सेफ्टी, बिजनेस सेटिंग्स और इवेंट्स मैनेजर, मीडिया लाइब्रेरी, मेटा बिजनेस सुइट और सॉफ्ट लोकेशन, ये सभी चीजें हम यहाँ पे देख सकते हैं। तो इसलिए चलिए हम फर्स्टली शुरुआत करते हैं कि कैसे हम क्रिएट कर सकते हैं बिजनेस पेज को। इस पेज पर पूरी तरीके से एड सेटिंग को सेटअप करना होता है। जब एड सेटिंग हमारी सेटअप हो जाती है तो किस प्रकार के ऑप्शन दिखाई देते हैं। हम यहाँ पे ओपन कर सकते हैं पेमेंट सेटिंग, क्योंकि अभी तक हमने यहाँ पे पेमेंट सेटिंग को सेटअप नहीं किया। तो आप यहाँ जाके एड कर सकते हो आपकी जो भी पेमेंट मेथड है, आप किस तरह से करना चाहते हो, डेबिट क्रेडिट कार्ड या फिर और भी तरीके से नेट बैंकिंग या यूपीआई के तरीके से आप अलग अलग चीजों से इसमें कर सकते हो। इसी के साथ ही आप पूरी तरीके से अपनी करेंसी के बारे में भी जान सकते हो। इसी के साथ ही हम स्क्रॉल करेंगे तो पेमेंट एक्टिविटी भी हमें दी जाती है, हमें क्रेडिट का ऑप्शन भी दिया जाता है। और इसी तरीके से अगर आप बिजनेस इन्फो के बारे में जानने की कोशिश करोगे तो आपका बिजनेस नेम, ये सभी चीजें आप यहाँ पे एडिट कर सकते हो। ये टैक्स वगैरह पूरी चीजें आप पूरा कैट पेमेंट एडवेट जो है पूरी तरीके से आप इसको सपोर्ट कर सकते हो। तो कहीं ना कहीं हम पेमेंट एक्टिविटी भी देख सकते हैं किस प्रकार से पेमेंट की एक्टिविटीज होती है। तो कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि बिजनेस मैनेजर का ओवरव्यू में कि हमें बहुत सी चीजों का ध्यान रखना होता है कि आप ट्रांजेक्शन कैसा और आपका डेटा, अमाउंट, पेमेंट मेथड और पेमेंट स्टेटस कैसा, ये सभी एक्शन वाली चीजें हमें यहाँ पे दिखाई देती। तो कहीं ना कहीं फेसबुक ने हमारे लिए बहुत हेल्पफुल कर दिया हमारे बिजनेस को रन करने के लिए। हम इसी तरीके से फेसबुक पर आसानी से अपने प्रोडक्ट को और सर्विसेज को सेल आउट कर सकते हैं। अब चलिए हम समझने की कोशिश करते हैं कि हम कैसे क्रिएटिव हब का यूज करेंगे। तो फर्स्टली मैं बात करता हूँ कि क्रिएटिव हब, जैसे ही हम क्रिएटिव हब पे क्लिक करते हैं नया तरीका यहाँ पे पेज ओपन हो जाता है।
यही सी कोई हम रिसोर्सेज आपकी बोल सकते हैं, कहीं ना कहीं हम इसमें बोल सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं मॉक को, मॉकअप को। तो जैसे हम यहाँ पे क्रिएट मॉकअप क्लिक करेंगे और अलग ही तरह के यहाँ पे पेज ओपन हो जाएगा। और हमें सिलेक्ट पेज करना होगा फर्स्टली, क्योंकि हमारा एड का नेम क्या हम चाहते हैं न्यू एड है, बट हम इसका नेम भी हमें यहाँ पे नेमिंग मेंशन करनी होगी। तो हम यहाँ लिख देते हैं TMDA। इसी तरीके से हम इसके लिए क्रिएट भी कर सकते हैं टेम्पलेट, इसी के साथ ही हमें बहुत सारी चीजें यहाँ पे मिल जाएगी। और इसी के साथ अगर हम चाहते हैं हमें पेज सिलेक्ट करना ही पड़ेगा, तो हमारे पास ऑलरेडी 2 पेजेस है, तो हम इसमें से 2 में से एक पेजेस को चूज करना होगा जो हमारे डेटा मार्केटिंग एजेंसी का पेज है, उस पर यहाँ पे क्लिक करके इसको चेंजेस कर सकते हैं। इसी के साथ ही हम फॉर्मेट चाहते हैं कि हमारा सिंगल इमेज की हो या फिर वीडियोज हो, या हम क्राउजल चाहते हैं, क्राउजल यानी कि बहुत सारी इमेजेस का क्राउजल, या फिर आपको समझ सकते हो कि जो 2-3 स्लाइडों में आता है उसे हम क्राउजल भी बोल सकते हैं। तो कहीं ना कहीं इस प्रकार की चीजें हमें यहाँ पे दिखाई देती है। यहाँ पे 16 प्लेसमेंट बताए जाते हैं फेसबुक के थ्रू कि आप फेसबुक फीड पे डाल सकते हो, इंस्टाग्राम फीड पे, फेसबुक के मार्केट प्लेस पे, और साथ ही साथ फेसबुक की यूट्यूब वीडियो फीड्स पे, इसी तरीके से राइट कॉलम में, एक्सप्लोर में, और साथ ही साथ आप किसके इनबॉक्स, मैसेजिंग इनबॉक्स में। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे 16 प्लेसमेंट मिल दिए जाते हैं जब एडवर्टाइजिंग स्टार्ट करते हैं। इसके बारे में अगले वाले आने वाली वीडियो में हम समझेंगे। इसी के साथ ही आप डिफॉल्ट मॉकअप कर सकते हो मीडिया वगैरह, या फिर आप वीडियो इसमें डाल सकते हो, प्राइमरी टेक्स्ट आपको लिखना होता है। तो कहीं ना कहीं ये पूरा एक फॉर्मेट हो जाता है जब हम एडवर्टाइजिंग करते हैं, तो यहाँ से भी हम बड़ी तरीके से कर सकते हैं। अगर आपके पास वेबसाइट है तो आप वेबसाइट की लिंक लगा सकते हो, अगर नहीं है तो आप फेसबुक इवेंट की क्लिक कर सकते हो, इसके बारे में लोगों को बता सकते हो, साथ साथ डेस्टिनेशन तक लोगों को पहुंचा सकते हो। हम यहाँ पे इवेंट्स भी लिख सकते हैं, उसका URL लगा सकते हैं, हम किस पेज पर करना चाहते हैं। इसी के साथ ही हम पूरी तरीके से इसको फिलअप कर सकते हैं, जिससे कि हमारा पूरा मॉकअप जो है क्लियर हो जाता है। अब चलिए हम नेक्स्ट स्टेज सेटिंग समझने की कोशिश करते हैं, जिसे हम बोलते हैं अकाउंट क्वालिटी। जैसे हम अकाउंट क्वालिटी पे क्लिक करेंगे, नया तरीके का यहाँ पे पेज ओपन हो जाएगा, और आप यहाँ पे चेक कर सकते हो आपके अकाउंट की क्वालिटी कैसी है, आप इसके बारे में पूरी तरीके से समझ सकते हो। जैसे कि हम देख रहे हैं हमारा जो फेसबुक अकाउंट है, हमारे सिमारी के नाम से हमारे पास रिव्यू और पूरा स्टेटस यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है। इसी तरीके से हमारा ये पर्सनल एड अकाउंट है सिमारी के नाम से, इसमें अभी तक हमने कोई भी एड्स नहीं करे थे, कोई भी एड्स हमारा रिजेक्ट नहीं हुआ। इसी तरीके से पूरा फेसबुक अकाउंट में हमारा बता देता है कि हमारे कितने पेजेस हैं, हमारे ऑलरेडी से अकाउंट में 2 पेजेस हैं, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी और डिजिटल एजेंसी, पूरा ओवरव्यू हमें यहाँ पे दिख जाता है। इसी के साथ ही अगर हम अकाउंट स्टेटस ओवरव्यू के बारे में बात करें, तो हमारा अकाउंट स्टेटस कैसा है इसके बारे में भी चीजें मिल जाती है, बिजनेस अकाउंट्स के बारे में पूरी तरीके से मिल जाती है कि हम कैसे अपने बिजनेस को अकाउंट्स को इफेक्ट कर सकते हैं, एड अकाउंट से शॉप्स के लिए, हमारे एडवर्टाइजिंग के लिए, यह हमारे लिए बहुत हेल्पफुल होता है। तो कहीं ना कहीं टिप्स भी हमें यहाँ पे दिख जाती है। इसी तरीके से हम अकाउंट इश्यूज में क्लिक कर सकते हैं। जब भी हम अकाउंट बनाते हैं तो इन सभी चीजों का याद रखना होगा। जैसे कि एक पॉपअप ऑप्शन यहाँ पे आ रहा है, इसमें दिया गया इंट्रोड्यूसिंग रिसेंट अकाउंट इश्यूज। आप क्या कह सकते हो, अगर रिसेंट में आपके साथ अकाउंट की इश्यूज आती है तो आपको इस बारे में बता देता है कि कुछ मॉनिटर जो स्टेटस कर लेते हैं आपके रिसेंट पेजेस को, तो आपको ध्यान रखना होगा, तो आप इसे स्टार्ट कर सकते हो, और चाहे तो नहीं भी कर सकते, रिव्यू होता ही है हमारे अकाउंट के इश्यूज का। और कहीं ना कहीं हम वेलकम टू हमें यहाँ पे बोल दिया गया है, अकाउंट इश्यूज के बारे में बता दिया जाता है, आउटस्टैंडिंग भी सॉल्व कर दिया जाता है अगर कुछ प्रॉब्लम भी आती है। तो ये सभी चीजें जो है फेसबुक के द्वारा हमें दी जाती है, कहीं ना कहीं बढ़िया फैसिलिटी है हमारे बिजनेस को ग्रो करने के लिए। चलिए हम नेक्स्ट पेजेस की बात कर लेते हैं, जानने की कोशिश करते हैं इसमें। जैसे कि हमने अकाउंट क्वालिटी के बारे में बात की थी, यहाँ पे बात कर सकते हैं एड लिमिट पर पेज। अगर आप चाहते हो कि एड की लिमिट जो है पर पेज के हिसाब से हो, ताकि आप सही बजट में एडवर्टाइजिंग रन कर सको, और साथ ही साथ आप अपनी मार्केटिंग भी बढ़िया तरीके से करवा सको। तो जैसे कि आप हमें यहाँ पे 2 पेजेस यहाँ पे दिए होते हैं, 2 पेजेस में जाके किसी एक पेज में हमें क्रिएट करना होता है, सिलेक्ट करना पड़ता है पेजेस का नंबर ऑफ पेजेस जिसमें हम एडवर्टाइजिंग करना चाहते हैं। इसी के साथ ही हमारे पास प्रकार का एक नया पॉपअप पेज खुल जाता है, जिसमें हम एड मनी 250 से अमाउंट के हिसाब से कर सकते हैं, हम एडिट कर सकते हैं किस प्रकार से, पूरा फॉर्मेट होता है हमारे एड का, ये हमारे पार्टनर्स यहाँ पे हम लिख सकते हैं। इसी के साथ ही हम देख सकते हैं और भी चीजें इसमें दी रहती है। तो कहीं ना कहीं हम एडिट करेंगे, अगर मैनेज एड लिमिट में जाएंगे तो पूरी तरीके से हम इसमें एडिट कर सकते हैं, हम पार्टनर्स एड कर सकते हैं। इसी के साथ ही हम चाहते हैं कि हमारे एड अकाउंट कितने हों, 1 या 2, और ये कितने एलोकेटेड कर सकता है, 250 कर सकता है। तो ये पूरी चीजें हमें यहाँ पे टिप्स दी जाती है। अब चलिए जैसे कि हम एड लिमिट पर पेज के बारे में समझ गए, यहाँ पे हम थोड़ी सी बिलिंग के बारे में ओवरव्यू तरीके से बात कर लेते हैं। और जब भी हम बिलिंग पे क्लिक करते हैं तो इस पेज प्रकार का पेज यहाँ पे ओपन हो जाता है, और आप देख रहे होंगे कि हमारी ID भी यहाँ पे दी गई है, हमारा बैलेंस हम बता देता है अगर हमारा ऑलरेडी यहाँ पे बैलेंस होता है तो। इसी तरीके से हम पेमेंट सेटिंग भी यहाँ पे क्लियर तरीके से कन्फर्म कर सकते हैं। हमारी जो भी ट्रांजेक्शन आईडी होती है, डेट, अकाउंट, पेमेंट मेथड, ये सभी चीजें यहाँ पे दिखाई देने लगते हैं, यानी पूरी तरीके से आपको बिलिंग जैसा ऑप्शन यहाँ पे दिख जाता है। आपको कहीं पे भी जाके इसको सेट करने की जरूरत नहीं होती,
भी आप फेसबुक के थ्रू कुछ भी आइटम सेल आउट करते हो तो आपको पूरी तरीके से ट्रांजेक्शन, पेमेंट मेथड और पेमेंट स्टेटस पूरी तरीके से सेक्शन में आपको दिखा देता है। अब चलिए हम नेक्स्ट की बात करते हैं, जिसमें कि हम अकाउंट की क्वालिटी को जैसे कि हमने अभी देखा था, इसी तरीके से हमने बिलिंग के बारे में बात की थी, ब्रांड सेफ्टी, जैसे कि ब्रांड सेफ्टी जब भी हम अपने प्रोडक्ट के बारे में, सर्विसेज के बारे में लोगों को अवेयरनेस करते हैं तो हमारी ब्रांड सेफ्टी का भी ध्यान हमें रखना चाहिए। तो यहाँ पे फेसबुक हमारी ब्रांड सेफ्टी को कंट्रोल करता है, हम इसके बारे में सीख सकते हैं। कम्युनिटी स्टैंडर्ड होते हैं, रूल्स होते हैं मोनेटाइजेशन का, नहीं कि ब्रांड सेफ्टी कंट्रोल दिए जाते हैं, पब्लिशर लिस्ट और डिलीवरी रिपोर्ट्स भी आप कर सकते हो। तो कहीं ना कहीं इसे अगर नेक्स्ट करी क्लिक करते हैं तो कम्युनिटी स्टैंडर्ड के थ्रू हमें ब्रांड सेफ्टी का ऑप्शन दिया जाता है। हमें रूल्स पर मोनेटाइजेशन करना होगा, अगर हम रूल्स का इसको फॉलो करना होगा तभी हमें ब्रांड की सेफ्टी कंट्रोल्स यहाँ पे मिलेगी। इसी तरीके से आप डिलीवरी रिपोर्ट, पब्लिशर लिस्ट, इन सभी के बारे में आप क्रिएट कर सकते हो और आप इसी तरीके से पूरी चीजें डन कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं इन्वेंटरी आप फिल्टर आउट कर सकते हो, ब्लॉक लिस्ट इसमें देख सकते हो, टॉपिक एक्सप्लेनेशन कर सकते हो, कंटेंट टाइप एक्सप्लेनेशन आप इसकी बात कर सकते हो। तो इसी तरीके से आप पूरा सेफ्टी का कंट्रोल कर सकते हो, उसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन जान के आप इसी तरीके से अपने प्रोडक्ट सर्विसेज के बारे में कंट्रोल ला सकते हो। इसी के साथ ही आप ब्लॉक लिस्ट के बारे में देख सकते हो कि ऐसे हम ब्लॉक लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं। इसी के साथ ही हम पब्लिशर लिस्ट के बारे में बात करते हैं। पब्लिशर लिस्ट भी जो है एक तरीके से हमारा पब्लिशर करने की जरूरत होती है इसमें कहीं ना कहीं तरीके से, तो हम इसे देख सकते हैं कि फेसबुक लाइव स्ट्रीम में हम इसे पब्लिश कर सकते हैं। अगर आप चाहते हो कि इस प्लेसमेंट हो, यानी कि जो भी फेसबुक लाइव स्ट्रीम चलती है उस पर भी हम पब्लिश कर सकते हैं, फेसबुक इंस्टेंट आर्टिकल में, ऑडियंस नेटवर्क और साथ साथ फेसबुक ओवरले एड्स एंड रील्स में भी। उसी तरीके से डिलीवरी रिपोर्ट्स भी हम यहाँ पूरी ओवरव्यू में समझ सकते हैं, उसके बारे में हम पूरी तरीके से चेकआउट कर सकते हैं। तो यही होती है हमारी ब्रांड सेफ्टी। इसी तरीके से जैसे कि हमने बिजनेस सेटिंग में जाएंगे और यहाँ पे हम बात करने वाले हैं कि हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं अपने अकाउंट को। जैसे कि हमने आपको पहले वाली वीडियोस में बता चुके हैं कि बिजनेस मैनेजर जो होता है मैनेज करता है हमारे हेड अकाउंट को, जो भी पेजेस होते हैं, जो लोग वर्क करना चाहते हैं उस पेजेस पे पूरी एक ही प्लेस पे दे देता है हमें। तो बिजनेस मैनेजर के थ्रू हम ये पूरी तरीके से फ्रीली तरीके से वर्क कर सकते हैं। यहाँ पे हम क्रिएट कर सकते हैं अकाउंट को और यहाँ पे हम पूरी छोटी छोटी डिटेल डाल सकते हैं, हमारे बिजनेस के अकाउंट नेम की और हमारा जो नेम है, और इसी तरीके से ईमेल एड्रेस डाल के हम यहाँ पे सबमिट कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको पूरी तरीके से चीजें समझ में आ रही होगी। आई होप कि आपने पूरी अच्छी तरीके से फेसबुक बिजनेस मैनेजर का ओवरव्यू को समझा होगा और ये बेसिक इन्फॉर्मेशन हमें याद होनी चाहिए और साथ ही साथ इनके बारे में मालूम होना चाहिए। अब हम आगे वाली वीडियो में प्रैक्टिकल तरीके से आपको बताने वाले हैं। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।